जिसके घर से वहां से उसको वहां की क्या जिंदगी है, अरे वो वहां की कुछ जिंदगी नहीं है। अब माया अरे मेरी तो पहले से भी खराब है भैया, मुझे पकड़ लो। माँ अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रखकर मौत से सामना करते हुए बच्चों को इस दुनिया में लेकर आती है, फिर लालन पालन करते हुए बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाती है। लेकिन जब बच्चे बड़े होकर उनको उनके ही घर से बाहर निकाल देते हैं तो वह उस दुनिया की नज़रों में तो बाद में पहले अपने ही नज़रों में गिर कर क्यों नहीं मर जाते। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले से अनीसा बेगम की। मेरठ के कोतवाली थाना निवासी हज्जन अनीसा के पति की कुछ ही दिनों पहले मृत्यु हो गई थी। महिला के 5 बेटे हैं, इनमें से छोटा बेटा मंदबुद्धि है। महिला ने बताया कि मृत्यु से पहले पति ने 5 करोड़ का मकान अनीसा बेगम के नाम कर दिया था। पति की मौत के बाद ही मकान के बंटवारे को लेकर चारों बेटे आपस में झगड़ा करने लगे और महिला पर मकान बेचने का दबाव बना दिया। लेकिन महिला ने पति की आखिरी निशानी बताते हुए मकान को बेचने से मना कर दिया। इसी बात पर महिला के बेटों से कहासनी हो गई। बात वहां तक पहुंच गई जहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। बेटों ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर अनीसा बेगम के साथ खूब मारपीट की। शनिवार को महिला SSP ऑफिस पहुंची, लेकिन पैरों में चोट लगने के कारण SSP कार्यालय के बाहर ही गिर पड़ी। SSP ऑफिस में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने अनीसा बेगम को किसी तरह उठाकर CO कठोर सुचेति सिंह के पास ले गई। सुचेता सिंह SSP कार्यालय में सुनवाई कर रही थी। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी नीरज मलिक को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। क्या नाम है? मेरा हज्जन अनीसा नाम है। क्या हुआ, आपके बच्चों ने क्या करा? मेरे बच्चों ने तो बहुत दिन से 4 साल से तो ज्यादा इनकी तार रखी। सबसे पहले तो बड़े बेटे ने तेल डाल के बहू पे, वो किराए पे चला गया था। मैं उसकी खुशामद करके ले आई थी, भैया मेरे खुद किराए को मकान चल रहे हैं, मुझे शराम आवे तो घर को चल, मैं उसे ले आई। उनने क्या काम करा कि या तो बुढ़िया जो कुछ तेरे पास है वो मुझे दे दे, नहीं तो तेल डाल के बहू पे। पहले तो केस करा उसने, फिर करा दूसरे ने, उसकी बहू तेल डाल के गई। बहुत परेशान हूँ। मेरे ही साथ तो करा। अच्छा। और फिर तिबारा से अभी वो समद की लड़की है, नमक वाले की, सबनम बेटे सुन ले, सबनम, सबनम ने मुझे इतनी मारी मुझे पटक पटक के मारी। और इमरान ने, और पांच भाई हैं ये मेरे जो बेटे हैं, 5 हैं। एक का नाम अरशद है, एक का नाम फिरोज खान उर्फ भूरा है। मेरे 3 बेटों ने मुझे मारा, 2 बहुओं ने, 1 साइस्ता ने और 1 सबनम ने, और मुझे पटक पटक के मारी। लेडीज से मेरी कमर दिखवा लो, नू मार रहे हैं कि मेरा शोहर मेरे नाम मकान कर गया, जायदाद कर गया, क्या तो गाली बक्के कहते हैं, क्या तो हमारे नाम मकान कर दे, अन्नी तुझे इसमें रहने नहीं देने के, रात को कुंडी लगा के सोऊं, कभी मुझे मार दें। अच्छा ये बताओ कितने का मकान होगा, क्या कीमत होगी उसकी? उसकी होगी 2.5-3 करोड़ की। अच्छा आप ये बताइए, अब जैसे यहाँ पे पुलिस ऑफिस आ रहा है और मेरे पास खर्चे पानी को नहीं है, मैंने नु कही भैया तुम इसमें रह जाओ, मुझे 3-5 हज़ार रुपये महीना दे जाओ। एक मेरा बावला बच्चा है, एक मैं हूँ।